चलो रख दिया बाबा जी अभी। सो हाय वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी देखिए अभी आज हम जा रहे हैं स्प्लेंडर से और बारिश की कोई संभावना है बाबा जी? बारिश आओगी? आओगी क्या मौका? तो चलो फिर चलते हैं भाई। फाइनली घर से निकल चुके हैं और बुलेट इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि बाबा जी जाएंगे तो दवा दवा के लानी भाई। तो अभी अगर मौसम का हाल बताया जाए तो आप देख सकते हैं मौसम एकदम मौसम है और ऐसे ही बस रास्ते एक बार बहुत तेज़ वो आई थी जब देखिए ये जो सब था टूट गया था। अभी चलते हैं थोड़ा मुड़ते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो थी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई और अभी कोई अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते कि भाई वैसे देखा हुआ था वेदर पे तो लिखा हुआ था कि बारिश जो है वो अभी शुरू होगी और रात भर चलेगी। तो अभी करीब हमें जाना है 5 किलोमीटर दूर तो आशा करता हूँ कि आज बारिश ना हो। मौसम का हाल तो यही बता रहा है अभी। और अगर आप नहीं जानते कि गुड़ कहाँ बनता है जो घर में गुड़ शक्कर खाते हो तो गुड़ बनाने के लिए इन जगह का यूज़ होता है। यहाँ पे एक चरखी प्रॉपर चरखी लगी होती है। और मौसम की बात करूँ तो भाई बिल्कुल एकदम एकदम मतलब प्योर। चलिए चलते हैं। पोल्यूशन से हट के देखिए जो मौसम है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि सामने कितना ही अच्छा आपके सामने नज़ारा है। खुली आंखों से वैसे नहीं महसूस होता पर अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। अभी जैसे कि देख सकते हैं कि हम 30-40 किलोमीटर/घंटे की स्पीड पर चल रहे हैं और इसका यही फ़ायदा होता है कि आप बुलेट से आएँगे ऐसी जगह में चलेंगे जिस पर खड्डे वड्डे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होंगी और मतलब ये है कि आप ऊपर नीचे होते ही रहेंगे इसमें। पर अगर आप एक किसी छोटी बाइक जैसे मेरे पापा की बाइक है जो ये स्प्लेंडर दूसरी भी पापा की है तो इस बाइक में हमें फील नहीं होता। इसमें आप आराम से 30-40 चल सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे घर पे आप चारपाई पे बैठे हों और हवा भी थोड़ी चल गई। देखेंगे पापा जी की कुछ तबीयत ख़राब होगी थी कुछ दिन पहले जिस वजह से अभी ये सब। तो लंबी रोड अच्छी सड़कें और ये गांव के कुछ नलकूप जिन्हें आप ट्यूबवेल भी कह सकते हैं और यही सहारा होते हैं हमारा जो मतलब समर का जो सहारा होता है जहां पे आप नहा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्विमिंग पूल का कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं होता बस आप दम चाहिए नहाने का क्योंकि कुछ मिनट बाद ही हो जाता है। और इस तरफ अगर आप देख पाएँ वैसे कैमरे में दिखाई नहीं देगा थोड़ा पीछे हमारे खेत हैं और ऐसे हम व्लॉगिंग जो है फ़िलहाल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और मतलब कैसी आवाज़ आ रही है चलते हैं कितना मतलब इतनी तमीज़ आ जाना ज़िंदगी में अगर तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता कोई भी कुछ भी। और पिछले वाली वीडियो दो वीडियो देखी थी भाई उनमें तो आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई आपके मतलब 10-10, 15-15 व्यूज़ आए बहुत अच्छा लगा बढ़िया ही तो है यार जब ऐसे मतलब व्यूज़ आते रहे तो काम देखिए भाई सही बात बताऊँ ना तो इस एरिया में ना मतलब गांव के एरिया में कहीं पे भी देख लो आप तो आदमियों को इतना अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई महामारी चल भी रही है या नहीं चल रही कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिंपल खाने वाले सिंपल रहने वाले आदमी हैं ज़्यादा तेज तर्रार कुछ होते नहीं तो बस जैसे ही जो सफ़र है वो कट जाता है। शहर में भीड़ भड़का पता नहीं क्या क्या कुछ तो कम ही काम आ रही जैसे जिन जिनका कोई काम ही नहीं है पड़े तो वही है बस। अभी ये देखिए
भाई मौसम तो बढ़िया हो गया बिल्कुल, एक झटका तो इतनी तकड़ी धूप निकली को पूछो ना, लगा कि भाई आज ही सारे बदले लिए जाएंगे। पर जैसे जैसे आता जा रहा मानसून, कहाँ गया माइक, जैसे जैसे मानसून आता जा रहा, और ये होती है ज़िंदगी गांवों के बच्चों की और शहर के बच्चों की। आप देख सकते हैं एक एक पूरी मेहनत करके जा रहे हैं आम उम तोड़ के, इधर मुर्गी फार्म बोलते हैं सर, पोल्ट्री फार्म से क्या बोल रहा हूँ सर, अब तो खैर बिक्री सिकरी सब बंद होगी, कुछ रहा ही नहीं। देखिए आम का सीज़न जो है पूरा जोरों पर चल रहा है भाई, तो जिसके घर बाग हो उसके तो मज़े हैं, दिन भर आम खाते रहो खाते रहो। और बाकी जो हमारे जैसे हैं 20 रुपये किलो वाले, वो भी खैर मज़े ले ही रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक धड़ी आम एक दिन के बहुत हैं, दो दिन चल जाते हैं वैसे तो वैसे तो किलो दो किलो लिए जा रहे, खाए जा रहे, मज़े आ रहे। कुछ बात करें कॉलेज वॉलेज की, तो भाई कॉलेज अब खुलने गए हैं नहीं, तो जितने मेरे भाई घर में पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ना अगर एक इंजीनियरिंग फील्ड के हो तो एक कोर्सेर करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री और कुछ कॉस्ट देकर कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा हुआ साइबर सिक्योरिटी वगैरह, तो भाई मैंने उसके कई सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा कर चुका हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा। गूगल में भी 2-4 दिन काम किया, बाद में फिर गूगल ने ऑफ़र किया कि भाई आप कोर्स कर सकते हो, तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ उनके, तो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, आप 4-5 घंटे दिन में पढ़ते हो, एक झटका तो बहुत सारी पढ़ाई करी दिन में, पर काफ़ी अच्छा लगता है ना जब पढ़ते हो अपने करियर की तरफ और फोकस करते हो। तो भाई पढ़ो लिखो और बाकी निकलो तो व्लॉगिंग करो, नहीं तो मज़े करो बस। फाइनली जो अपना काम था भाई, बाबा जी की जब दवाई थी वो मतलब अभी ले ली हमने, और अभी हम जा रहे हैं वापस, और आप देख सकते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो। पढ़ने का तो सिस्टम ही बंद कर दिया अब सरकार ने, क्या ही करेंगे पढ़ पढ़ का, सरकार की भी क्या गलती, पढ़ोगे तो फिर महामारी से कौन लड़ेगा। बकरी कहाँ, अच्छा पेड़ पे वो हो गया खजूर, तोड़ लो बाबा जी खजूर। I'm coming home। तो भाई अभी हम रास्ते में हैं और अभी खजूर का पेड़ जो था दिखा था। अब बात करते हैं एक बार YouTube के मोनेटाइजेशन के बारे में। YouTube पर कुछ लोग सोचते हैं ना भाई यूट्यूबर बहुत तगड़ा पैसा, तो भाई लोग सोचते हैं कि यार वो बहुत पैसे कमाओ बहुत पैसे कमाओ। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार बढ़िया पैसे कमा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, पर असलियत तो ये है कि भाई पता ही नहीं, 2-2 लाख रुपए पर बाजी बार 3-3 हज़ार, मतलब 2-2 लाख व्यूज़ पर 3 हज़ार रुपये मिले 4 हज़ार रुपये मिले। कुछ लोग क्या होना 1,000 व्यूज़ पर या इतने लाइक्स पर कितना मिलता है, इस पर कितना, भाई लाइक का कुछ नहीं मिलता, सब्सक्राइब का कुछ नहीं मिलता, जो तुम व्यूज़ देखते हो मोनेटाइजेशन के बाद जब भी आप वीडियो खोलोगे और वो शुरू में ऐड होगा ना किसी का भी बेचने वालों का, उस ऐड के इंडिया में बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिसके एक एक ऐड के मिलते हैं 19 पैसे के करीब, 19 पैसे या उससे भी कम। तो अब तुम अंदाज़ा लगा लो कि कोई कितना ही कमाता होगा। बाकी रहे हैं बड़े यूट्यूबर जो भाई मिलियन में जा रहे हैं, वहाँ उनके एक मिलियन से 2 मिलियन वाले के 50,000 रुपये महीने के आराम से, और स्पॉन्सरशिप लगा कर देखा ना, तो भाई फिर तो पैसे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में तो काफ़ी कुछ हो गया देखने का, या नहीं हुआ तो कुछ और मेहनत करते हैं। और भाई ऐसा कोई भी देखा ना तो छोटा मोटा कमेंट कर दिया करो, एक बारिश देखो आ चुकी है, और ये देखो
आज तो पक्का हो बाबा जी, आज तो पक्कम पक्की होगी। हाँ देख लो ऊपर। हाँ बंधवा देंगे, देखो पहाड़ में। अरे इंग दखण में दाब के चलो पहाड़ दखण इंग दाब के नहीं चलते बाबा, आराम से चलेंगे। तो भाई अभी जो था, चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि सपोर्ट बस आप ही से मांगते हैं, और कुछ है नहीं। सब्सक्राइब करने से ही सपोर्ट मिलती है। देखो हम आ रहे हैं, चलिए अभी चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।